नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। दो घंटों से लगातार मुख्य सड़क बंद है। भोला शाह की मौत के बाद आक्रोशित घरवाले एवं ग्रामीणों के द्वारा रामनगर भगत सिंह चौक से लेकर बस स्टैंड तक रास्ते को जाम कर दिया गया था। वहीं नवरात्र के महीने का सप्तमी का दिन भी था, जिससे भक्तों को मंदिर आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं राहगीर भी परेशान नजर आए। आगजनी की घटना को देखते हुए पुलिस जिला बगहा के कई थाने का पुलिस बल आकर के भीड़ को हटाने में लगी रही। मृतक के परिजनों की मांग थी कि हत्यारे के ऊपर FIR दर्ज किया जाए और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, आरोपी को जल्द पकड़कर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं बगहा SDM के पहल के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रास्ते से जाम को हटाया, जिसके बाद गाड़ियों का आना जाना आरंभ हुआ। बगहा SDM ने बताया कि मृतक की पत्नी को नगर परिषद में सरकारी नौकरी दी जाएगी, अगर आवास नहीं मिला है तो उसको आवास दिया जाएगा। वहीं नगर पार्षदों के द्वारा भी मृतक के दो बच्चियों के नाम से कुछ पैसे की बात देने की बात कही गयी। फांसी के सजाए ना हुई तो लग हम ना छोड़म जो पुलिस कार्रवाई ना करी। अभी की त्वरित गिरफ्तारी हो और उसकी स्पीडी ट्रायल चला करके उसको कम से कम समय में उसको सजा दिलवाने का। सही लोगों कुछ मुआवजा दिया गया कहीं? मुआवजा SDM साहब साथ हैं, जो राशि दी जाने वाली है या दी गई उसके बारे में सर। ₹3,000 जो दिया जाता है वो नगर पंचायत से अभी दिया जाएगा। उसके साथ ही ये भी देखा गया है कि उनकी पत्नी के नाम पे कोई आवास योजना नहीं है, तो उसका पूरा जांच करके नगर पंचायत के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और चेयरमैन हैं साहब, लोगों ने आश्वासन दिया है कि उनको आवास भी दिलाया जाएगा। और उसके अलावा उनकी पत्नी के लिए एक नगर परिषद में बच्चों के लिए क्या किया जाए, बच्चों के लिए उनकी जो मदर। लाइव के लिए DN शुक्ला की रिपोर्ट।